हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पत्नी की हत्या के प्रकरण में पति को आजीवन कारावास, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सुनाया फैसला। सोजत पत्नी की हत्या के प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोजत श्रीमती नीतू आर्य ने मुलजिम पति कानाराम जोशी को बात सुनवाई। धारा 302 भादस में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास सजा एवं 50,000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी ने की। अपर लोक अभियोजक सोनी ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व पांचेटिया हाल सोजत सिटी निवासी कानाराम पुत्र बंशीलाल जोशी ने पुलिस थाना में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नी विमला सुबह घर पर अकेली थी, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं। मैं दिन में 3 बजे घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर मेरी पत्नी खून से लथपथ थी और मौत हो चुकी थी। मेरे औरत के पहने हुए चांदी के छड़े व गले में सोने का मादलिया पहने हुए थी, मगर गले में रखा चांदी का कंदोरा, चांदी का सिक्का व 6,000 रूपए नगद गायब थे। किसी अज्ञात चोर ने मेरी औरत के सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दिए। दिन के समय में यह घटना हुई। मैंने घटना की सूचना मेरे साले गोपाल एवं मेरे भाई इंद्रराम वगैरह को सूचना देकर बुलाया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 202/219 धारा 302 454 380 भादस में प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। घटना के दूसरे दिन मृतका के भाई गोपाल डाकोत ने भी कानाराम के विरुद्ध रिपोर्ट दी कि मेरी बहन प्रेमलता उर्फ विमला जोशी की हत्या मेरे बहनोई कानाराम वगैरह ने पत्थरों वार उसकी हत्या कर दी। प्रकरण में पुलिस ने अनुसंधान कर मुलजिम कानाराम के विरुद्ध धारा 302 भादस में चालान किया, जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुलजिम कानाराम को धारा 302 भादस आरोप लगाया। तबाद प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से 21 गवाहों के बयान लिए गए एवं 32 दस्तावेजों में व 10 आर्टिकल्स को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा कानाराम धारा 313 में बयान मुलजिम हुए। बाद सुनवाई न्यायालय ने प्रकरण में मुलजिम कानाराम उर्फ विनोद को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाए जाने पर धारा 302 भादस में मुलजिम कानाराम को 47 पेज का फैसले में आजीवन कारावास की सजा एवं 50,000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी, इन्होंने ये कहा। पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति कानाराम को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोजत श्रीमती नीतू आर्य ने बाद सुनवाई मुलजिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।